हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने अपनी गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई हैं, प्लीज़ बताओ उसके बारे में। तो आज मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी एक्सेसरी अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। हैरियर में नहीं, ऐसी एक्सेसरी जो सारी गाड़ियों में यूज़ हो जाएगी और वो बहुत यूज़फुल है और जो आपको अपनी गाड़ी में ज़रूर लगवानी चाहिए, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ आज की वीडियो में। तो चलो देखते हैं गाइस। तो गाइस, जो ये एक्सेसरी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत यूज़फुल है और ये सारी गाड़ियों में लग सकती है। कोई भी गाड़ी हो, मर्सिडीज से लेकर आल्टो तक, हर गाड़ी में ये लग सकती है। और ये है, ये कार्बन फाइबर फिल्म, ये रोल आता है इसका, ये देखिए। ये जब गाड़ी में, क्योंकि जब उतरते चढ़ते हैं लोग तो ऐसे शूज़ के निशान बॉडी पर लग जाते हैं और जो निशान पड़ ही जाते हैं पेंट हट जाता है। और ये 200-250 रुपये का रोल आता है इसका पूरा। अमेजोन से भी लगवा सकते हो या किसी भी कार एसेसरी की शॉप से लगवा सकते हो आप। बहुत ही अच्छा है और बहुत यूज़फुल है यार ये, और ज़रूर लगवाना चाहिए आपको अपनी गाड़ी में। जो का ये कि ये है, ये एक छोटा सा मिरर जो आपको दिख रहा होगा, ये साइड मिरर के अंदर, ये 100 से 150 रुपये का आता है और ये आपके पूरे 360 कैमरे का काम करता है। इसमें आप पूरा टायर से लेके और ऊपर बॉडी तक सब कुछ देख सकते हो, क्योंकि इससे तो हमें बस थोड़ा साइड का दिखाई देता है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन इससे हम पूरा 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत परफेक्ट है। ये बो लगा के देखना आप, बहुत मतलब परफेक्ट काम करेगा ये और आपको बहुत यूज़ होगा, क्योंकि आपको आपका टायर दिखेगा बैक वाला कि कहाँ से वो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। और गाइस, जो ये तीसरी एक्सेसरी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये मैट है, 70 मैट। मैंने अपने हैरियर में कंपनी से लगवाए थे, 1900 के मैट लगवाए थे। काफ़ी लोगों ने लगवाए भी होंगे अपनी हैरियर में, वो भाई साहब बिल्कुल ही यूज़लेस थे। वो मेरे को फेंकने ही पड़ गए निकाल के, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो उन पर पैर रखते ही वो आगे खिसकते थे और नीचे तक मिट्टी जाती थी। तो ये 70 मैट्स हैं, ये हर गाड़ी के सेप के अलग अलग आते हैं, ये ज़रूर लगवाने चाहिए। किसी भी कार एक्सेसरी शॉप पे मिलता है, कार की मॉडल के हिसाब से ये परफेक्ट डिज़ाइन करे होते हैं। और ये मैंने 2800 रुपये का लगवाया था, काफ़ी परफेक्ट है ये। 2800 से 3500 रुपये तक की रेंज में आते हैं। अमेजोन पे काफ़ी महंगे भी है और सस्ता भी है, लेकिन 2800 से 3500 की रेंज में आपको बढ़िया वाला मैट 70 मिल जाएगा। और ये है ना, बहुत परफेक्ट है ये, बिल्कुल नीचे आपकी मिट्टी जाने नहीं देते और साफ भी एक दो जल्दी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और गाइस, आप अपनी गाड़ी में ये सन वाइज़र भी लगवा सकते हो विंडो पे, क्योंकि फिल्म तो चढ़वा नहीं सकते, तो ये काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं सन से। और 500 से 650 रुपये की रेंज में आ जाते हैं, हर गाड़ी के सेप के हिसाब से आते हैं, तो ये भी आप लगवा सकते हो। अब इन पर चालान है या नहीं है ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ, आप जहाँ पे चालान होने का डर है वहाँ पे इनको उतार के भी रख सकते हो, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और इस ये लगाने के बाद एसी काफ़ी अच्छा काम करता है, तो लगवाने चाहिए ये भी यार। और जो गाइस, जो ये मैंने हैरियर में जो क्रोम का काम करवाया हुआ है, ये आप लोग करवा सकते हो ना चाहो तो ना अभी, क्योंकि इसके बिना भी बहुत सुंदर लगती है हैरियर तो, लेकिन आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कितने पैसे का करवाया था और कहाँ से करवाया था, ठीक है। ये मैंने जो है सारा क्रोम की जितनी भी है फिनिशिंग, ये मैंने गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले ही शोरूम से करवा ली थी, ये जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो गाइज, आप देख सकते हो कि सारा क्रोम वर्क मैंने शोरूम से ही करवा लिया था गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले। शोरूम से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन टाटा की आप क्रोम वर्क टाटा का जेन्युइन एसेसरी ही लो, क्योंकि बाहर से आप लेते हो वो थोड़ी सस्ती पड़ती है, नहीं तो उसमें फिर वो जंग लग जाता है तो फिर वो यूज़लेस हो जाती है, फिर गाड़ी की लुक भी बेकार लगती है। यहाँ से एक फुटरेस्ट भी का भी ऑप्शन था, लेकिन वो मैंने नहीं लगवाया। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ना लगवाएं, क्योंकि उससे ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। उसका प्राइस मेरे ख्याल से 18,000 रुपये का राउंड था, तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि वो लगने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा और ऑफ रोडिंग होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी गाड़ी की। तो उसमें ये जो ये हैरियर का ये 3D लोगो है, ये मुझे 1000 रुपये का राउंड पड़ा था, और बाकी मैंने कॉम्बो पैक लिया था, तो कॉम्बो पैक की कीमत भी मैं आपको बता दूंगा और जो इंडिविजुअली हर एक उसका प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी जो गाइस, जो मैंने अलग से लगवाया है कॉम्बो पैक से अलग, और ये 3D लोगो और डमी एग्जॉस्ट, ये दो पीस हैं, ये मैंने अलग से लगवाए थे, इनका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ये डमी एग्जॉस्ट हैं गाइस, ये 1600 रुपये का पड़ा था मेरे को, और अगला जो 3D क्रोम है हैरियर का वो 1000 रुपये का। बाकी जो मैंने कॉम्बो में लिया था उसमें ये एक ये ह्यूमिडिटी लाइन थी पूरी की पूरी बम्पर की,
ये अगर आप इंडिविजुअली ख़रीदोगे तो इसका 3085 रुपये रेट है, लेकिन ये मुझे कॉम्बो में पड़ी थी। और कॉम्बो कितने का था मैं आपको बताऊंगा। और जो गाइस ये आप ये क्रोम की ये लाइनिंग देख रहे हो, ये भी सारी ये 8 पीसेस थे, तो ये भी उसमें इंक्लूड थी। और इसका जो प्राइस है अगर आप इंडिविजुअली ख़रीदोगे तो 5370 रुपये, 5370 रुपीज़। जो गाइस ये आपको दिख रही है ये फॉग लाइट की गार्निशिंग, ये 2 पीस हैं, ये भी कॉम्बो में इंक्लूड थी और इसका प्राइस था 1890 रुपये के अगर आप अलग से ख़रीदोगे तो। बाकी कॉम्बो का प्राइस मैं आपको बता दूँगा कितना है। और गाइस जो आपको ये डोर हैंडल की ये दिख रही है, ये क्रोम की है ना, ये 4 पीस हैं ये, तो ये मैंने अलग से ख़रीदे थे, ये भी इनका 1715 रुपये प्राइस था। ये मैंने सारी टाटा की जेन्युइन एक्सेसरी ख़रीदी थी, क्योंकि क्रोम का क्या है ना यार, बाहर से ख़रीदते हो तो आपको पता नहीं होता है, इन पर जंग लग जाता है तो ये सारे पैसे वेस्ट चले जाते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग इसको शोरूम से ही ख़रीदो या टाटा की जेन नहीं ख़रीदो, आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन हाँ वही बात है कि सस्ता रहो बार बार महंगा रहो एक बार, तो वो कहानी सही है इस यहाँ पर। तो गाइज ये आपको जो दिख रहा है ये विंडो फ्रेम, ये गाड़ी की लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है, तो ये भी कॉम्बो में इंक्लूड था। जो इसका प्राइस आप इंडिविजुअली ख़रीदोगे तो वो है 4215 रुपये, मैं शोरूम का प्राइस बता रहा हूँ आपको। और गाइस एक और जो है आपको दिख रही है ये क्रोम की गार्निशिंग, ये भी मैंने कॉम्बो में इंक्लूड थी, अगर आप इसको अलग से ख़रीदोगे तो ये 2275 रुपये की है शोरूम से, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, जब भी आप ट्रंक में सामान वगैरह रखते हो निकालते हो तो बम्पर पे स्क्रैच आने का खतरा इससे नहीं रहता है, और ये काफ़ी अच्छी है, तो ये वैसे भी आपको लगवानी चाहिए। तो गाइस एक और ये आपको ये स्ट्रिप लैंड रोवर पेडिग्री की, ये भी कॉम्बो में साथ में ही आई थी, इसका प्राइस मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी लगती है, ये देखो लैंड रोवर पेडिग्री। तो वो मैंने लिया था ये टाटा शोरूम से ही, मैंने जब गाड़ी परचेज़ की तभी लिया था मैंने, और ये लिया था 17000 रुपये का। अगर आप ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली ख़रीदोगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, तो ये कॉम्बो में मुझे 17000 रुपये की पड़ी थी। उसके अलावा जो चीज़ें आपने अलग से लगवानी है वो आप लगवा सकते हो, और आप ना अगर इनको ना लगवाना चाहो तो भी कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ये आपके 70 मैट है ये आप ज़रूर लगवाओ। आप अगर शोरूम से आप मैट परचेज़ कर रहे हो तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है, मैंने ख़रीदे थे मेरे को ऐसे ही फेंकने पड़ गए, क्योंकि वो बिल्कुल ही यूज़लेस है। आप ख़रीद लोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप जिन्होंने नहीं ख़रीदे उनको तो आइडिया होगा इन भाइयों को। तो बाकी जो मैंने आपको बताए हैं सारी चीज़ें यूज़फुल है। इसके अलावा अगर आप लगवाना चाहो अपनी गाड़ी में तो टायर प्रेशर मोनिटरिंग सिस्टम होता है, आप वो लगवा सकते हो, सेंसेरी का होता है जो 2800-2900 रुपये के अराउंड आता है अमेजोन से। और एक GPS ट्रैकर, जिन गाड़ियों में नहीं है उनमें आप GPS ट्रैकर भी लगवा सकते हो, जिसमें आप मोबाइल पे अपनी गाड़ी की एक्चुअल पोजीशन देख सकते हो और गाड़ी से मोबाइल से ही गाड़ी को ऑन ऑफ भी कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी आप लगवा सकते हो। और एक टायर इन्फ्लेटर होता है, इलेक्ट्रिक टायर इन्फ्लेटर, जिससे आपकी गाड़ी से ही वो आप कहीं ऐसी जगह पंचर हो जाए आपकी गाड़ी जहाँ पे आसपास पंचर वाला नहीं हो, आप कहीं हिली एरिया पे गए हो और आपको टाइम भी नहीं हो, मान लो रात का टाइम आपकी गाड़ी पंचर हो गई और आपको ये है कि भाई आप उसी टाइम उसको इन्फ्लेट करके और किसी शॉप तक पहुँच जाओ जहाँ पर टायर पंचर वाला हो, तो काफ़ी यूज़फुल है, तो ये चीज़ें आप ले सकते हो। इसके अलावा तो आप एसेसरी बहुत महंगी महंगी है यार अपनी गाड़ी में, आप जितने की गाड़ी है उससे ज़्यादा की एसेसरी लगवा सकते हो, तो उसकी तो कीमत है नहीं भाई, वो तो अपने अपने शौक है, लेकिन जो यूज़फुल एसेसरी थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।